इस बार के बजट में क्या क्या हो सकता है खास। आगामी 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है। इस बार का बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस बजट से सबसे अधिक उम्मीदें तो मिडिल क्लास और खासकर नौकरी पेशा लोगों को है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी और बहुत से लोगों की सैलरी भी कटी थी। ऐसे में लोग इस बजट में सरकार से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या क्या घोषणाएं होने की उम्मीद की जा सकती है। टैक्स छूट की सीमा हो सकती है 3 लाख रुपए। बजट 2021-22 से सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि इस बार सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। अभी टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि पिछले करीब 7 सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जुलाई 2014 में आए बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की थी। दूसरी, 80C के तहत निवेश पर बढ़ सकती है छूट की सीमा। मौजूदा समय में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेश कर रहे इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट पाई जा सकती है। इस बार इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किए जाने की उम्मीद है। सुझाव तो यहां तक दिए जा रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसमें भी पिछले 7 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जुलाई 2014 में ही तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया था। तीसरा, कोरोना काल में 80D के तहत बढ़ सकती है राहत। 2020-21 का पूरा साल ही कोरोना के चपेट में रहा है। इस दौरान बहुत सारे लोग कोरोना के चपेट में आए और उन्हें दवा पर काफी खर्च करना पड़ा। बहुत से लोगों ने भविष्य के खतरे को देखते हुए अपना मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा दिया है। कोरोना काल को देखते हुए यह भी उम्मीद की जा रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस को देखते हुए इस बार सरकार 80D के तहत मिलने वाले 25,000 रुपए तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर सकती है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है। चौथा, NPS में 80CCD के तहत बढ़ सकती है छूट। इस बजट में NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर 80CCD के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि अगर मौजूदा स्थिति में आप NPS में 2 लाख रुपए तक भी निवेश कर दें तो 80CCD 1E की 50,000 और 80CCD 1 की 1.5 लाख रुपए की छूट को मिलाकर पूरे 2 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आप 80CCD 1 के तहत बाकी किसी निवेश पर टैक्स छूट नहीं पा सकते हैं। पांचवा, वर्क फ्रॉम होम को लेकर डिडक्शन। कोरोना काल में काम करने का तरीका काफी बदल गया है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में बजट 2021 में आम आदमी को उम्मीद है कि घर से काम करने के लिए भी सरकार टैक्स में कुछ छूट दे सकती है, क्योंकि घर से काम करने में कर्मचारी को इंटरनेट, कुर्सी, मेज और कई बार तो छोटा ऑफिस तक सेटअप करना पड़ता है। उम्मीद की जा रही है कि इसके लिए सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन की ही घोषणा कर दे। छठा, टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम। यह भी उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के कदम उठा सकती है। दरअसल कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को टर्म इंश्योरेंस की महत्ता समझ में आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसमें पैसा खर्च करने से कतराते हैं। टर्म इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार के देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। इस बार के बजट में लग सकता है कोविड सेस। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 130 करोड़ लोगों पर वैक्सीन लगाने का खर्च 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक का आ सकता है। वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधनों से यह राशि जुटाने के लिए उपाय करने होंगे। इस वित्त वर्ष के दौरान देश का राजकोषीय घाटा GDP के 7% से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले साल के बजट में इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया गया था। इसलिए संभव है कि सेस के रूप में टैक्स पेयर्स को ही इसका खर्च उठाना पड़ सकता है। इस साल के बजट में आप सभी को क्या क्या उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।